नमस्कार, मैं पिंकी राघव मसाला डिलाइट में आपका स्वागत करती हूँ। अक्सर बच्चों का बाजार से बना पैकेट फूड खाने का मन करता है, लेकिन हम माओं की हमेशा यही कोशिश रहती है कि उन्हें घर का बना कुछ हेल्दी खिलाया जाए। तो आइए आज हम बनाते हैं घर के बने क्रिस्पी रिंग्स, या यूँ कहें उसको क्रिस्पी क्रैक्स। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको मेरे रेसिपीज पसंद आती है तो उन्हें लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चावल की रिंग्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कटोरी चावल का आटा लेना है, और जितना हमें आटा लेना है उतना ही हमें पानी लेना है। तो मैं कटोरी का इसलिए बता रही हूँ कि सबके पास, सबके घरों में ये कटोरी अवेलेबल होती है। जरूरी नहीं कि आप कटोरी लें, आप कप भी ले सकते हैं। ये मैंने गैस ऑन कर दिया है, ये सिम गैस है अभी। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। जितना मैंने चावल का आटा लिया था एक कटोरी, उतना ही मैं पानी डालूंगी। इसमें एक चम्मच बटर ऐड करेंगे। बटर से इसके फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है, इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद में ये मैंने लिए हैं थोड़े से चिली फ्लेक्स, ये भी करीब क्वार्टर टीस्पून है, ये भी मैं डाल दूंगी। थोड़े से मैं लूंगी तिल। आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, मैं ये नहीं डाल रही हूँ, इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है, आप चाहें तो। इसके बाद में मैं ये थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ। ये मैं थोड़ा सा सूखा पुदीना ले रही हूँ, इसको मैंने क्रश किया है और ये मैंने डाल दिया है इसमें। पुदीने की जगह आप धनिया पत्ती भी ले सकते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई। ये थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, क्वार्टर टी स्पून। एक पिंच के करीब हम डालेंगे इसमें खाने वाला सोडा, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं। अगर चिली फ्लेक्स ना हो आपके पास में तो हल्का सा मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये पानी में थोड़ा सा उबाल आ रहा है, अब हम इसमें ये चावल का आटा ऐड कर देंगे और इसको स्लो फ्लेम पे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो रहा है, बिल्कुल स्लो रखनी है गैस हमें। ये आटा तैयार हो गया है और गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। अब इस गरम आटे को हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये मैंने आटे को निकाल लिया है, अब इसका हम डो तैयार करेंगे। बिल्कुल थोड़ा गरम है, ये गरम को ही हमें अच्छे से मैश करना है। ये बहुत आराम से डो तैयार हो जाएगा इसका बन के। अभी करके दिखाती हूँ। ये थोड़ा गरम आटे को ही हमें मैश करना होता है, ये आराम से हो जाता है, ये देखिए। अच्छा, मैंने इसके अंदर कलर मिक्स नहीं किया है। मार्केट में अधिकतर कलर मिले हुए रिंग्स आते हैं, पर मैं नेचुरल बना रही हूँ, बच्चों के लिए हेल्दी होते हैं। देखिए ये डो तैयार कर लिया है मैंने, ये देखिए। ये रिंग्स मशीन से भी बनते हैं, लेकिन मैं आज आपको हाथ से बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि सभी के पास में मशीन अवेलेबल नहीं होती है। तो ये हाथ से कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा सा डो लिया मैंने, इसमें से छोटा सा इसको लंबा लंबा करेंगे, थोड़ा पतला करना है इसको लंबाई में। ये बहुत आसानी से हो जाता है। छोटा सा पार्ट की हम ऐसे छोटी छोटी रिंग्स बनाएंगे और इसके जो कॉर्नर होते हैं उसको सील करते जाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी रिंग्स तैयार हो गई। ऐसे ही ये सारी रिंग्स हम तैयार कर लेंगे। ये रिंग हमने तैयार कर ली है। इधर मैंने ये ऑयल चढ़ा दिए हैं फ्राई करने के लिए। रिंग को डाल के देखेंगे तेल गरम हुआ कि नहीं। हाँ, तेल गरम हो गया है। अब हम एक एक करके सारे रिंग्स डाल देंगे, और उतनी डालेंगे जितनी ये कढ़ाई में आ सके, ज्यादा भरनी नहीं है। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, इनको थोड़ा सा हल्का सा हिला देंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। ये देखिए इसमें सारे बबल्स खत्म हो गए हैं, हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये फ्राई हो गई है, सारी अच्छे से फ्राई हो गई।
टिश्यू पेपर पे निकालना है, जिससे कि सारा ऑयल जो है टिश्यू पेपर सोख लेगा। ये सेकंड बैच भी हम डाल देते हैं सारे एक ही बार में आ जाएंगे। ये देखिए हमारा ये सेकंड बैच भी तैयार हो गया, इन्हें भी हम निकाल देते हैं। ये देखिए हमारे क्रिस्पी सीडलिंग्स तैयार हो गए हैं। आप इनकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे, ये कितने क्रिस्पी हैं। मैं इनको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो आप अपने बच्चों को ऐसे क्रिस्पी रिंग्स घर में ही बना के खिलाइए, ये बहुत हेल्दी होते हैं। बाहर की चीज़ों से बचिए जितना हो सके। आप इसे एक महीने के लिए स्टोर करके रख भी सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करिए।